हम बात करते हैं अमेठी की, जहां अमेठी पुलिस ने एक सप्ताह पूर्व शराब के नशे में की गई युवक की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त के पास से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल बरामद करते हुए आरोपी युवक को जेल भेज दिया है। पुलिस सभागार में एसपी दिनेश सिंह ने इस घटना का अनावरण किया। दरअसल पूरा मामला गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक सप्ताह शराब के नशे में युवक की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही थी। इसी मामले में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने हत्या आरोपी चंद्रकेश सरोज को गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के जामो तिराहे से गिरफ्तार करते हुए उसके पास से आला कत्ल भी बरामद किया। पुलिस सभागार में घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक रमेश कुमार और आरोपी चंद्रकेश सरोज दोस्त थे। एक सप्ताह पूर्व आरोपी चंद्रकेश ने शराब के नशे में मामूली कहासुनी और विवाद के बाद रमेश कुमार की हत्या कर दी थी। उसी मामले का आज खुलासा किया गया। आरोपी युवक के पास से आला कत्ल भी बरामद किया गया है, साथ ही संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर उसे जेल भेजा जा रहा है। अमेठी उत्तर प्रदेश से विजय मिश्रा की ये रिपोर्ट। 25/10 को एक अभियोग पंजीकृत हुआ क्राइम नंबर 505 गौरीगंज में हत्या का अपराध था, जिसमें कि रमेश कोरी की हत्या हुई थी, जो कि मूल निवासी दौलतपुर के हैं। दौलतपुर ससुराल में निवास करते थे, अपने रहने वाले सराय नसीराबाद के हैं। हत्या में उनके भाई ने पंजीकृत कराया था, मान तीन लोगों पर संदेह व्यक्त करते हुए नामजद किया। विवेचना के दौरान सभी नामजदगियाँ गलत पाई गई। ये घटना ये पाई गई कि शराब के नशे में चंद्रकेश के साथ बैठकर इन्होंने, चंद्रकेश जो कि पूरे बाछे के निवासी गौरीगंज थाने के हैं, उनके साथ शराब पी थी और रास्ते में दोनों में विवाद हो गया, जिसमें कि चंद्रकेश ने उसके सर पर पत्थर मार दिया और उसके बाद बगल में जो नहर थी उसमें बॉडी को धक्का देकर गिरा दिया। उनका कोई अन्य आशय नहीं था, सिर्फ शराब के नशे में हुए विवाद के चलते ये हत्या हुई है। इसमें अभियुक्त गिरफ्तार कर दिया गया है। अभियुक्त चंद्रकेश ने इसका मोबाइल फ़ोन उस समय ले लिया था और 700 रुपये ले लिया था। उसकी निशानदेही पर मोबाइल फ़ोन और रुपए बरामद कर लिए गए हैं और जिस पत्थर से उसके सर पर मारा था वो भी वहीं पर घटनास्थल के पास मिल गया है। ये एक अज्ञात घटना थी जिसमें कि नामजदगी की गई थी। नामजदगी को नकारते हुए अन्वेषण के दौरान, विवेचना के दौरान ये केस का अनावरण किया है। टीम ने बहुत मेहनत की, जिसको मैं 10,000 रुपये का पुरस्कार दे रहा हूँ।